हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका जो भी एडमिट कार्ड आया है उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में जानेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिटेल में एक बार देख लेंगे ताकि आप कोई गलती ना करें, सेंटर पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचें। ओके, तो सबसे पहले ये देखो आपका ऐसा एडमिट कार्ड दिख रहा होगा आपको। इसमें जो भी आपका रोल नंबर सब डिटेल दी गई है, आपकी कैटेगरी सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होगा। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है आपका 12 अगस्त 2022 फ्राइडे को है डेट, और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ 11 से 12 सब आप सब में यहाँ रिपोर्टिंग टाइम दिख रहा होगा। तो जिसका जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पे जाना है, 1 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 11 से 12 के बीच में आप पहुँचेंगे तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही 12:01 होगा आपकी एंट्री बंद। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आप 10:30 तक वहाँ पहुँच जाएँ, और जैसे ही एंट्री हो रही हो आप एंट्री कर लें। ओके, वेट नहीं करना कि मैं एकदम 12 बजे से जस्ट 1 मिनट पहले पहुँचूँगा, ऐसा नहीं करना, टाइम से पहुँच जाना। हाँ, क्योंकि इस चांस वो काफ़ी सारे होते हैं एग्ज़ाम्स में कि आपको एंट्री ना दें, है ना, टाइम से नहीं पहुँचोगे तो। इसलिए फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 12:30 से 2:30 के बीच में, देख लेना यही शिफ्ट होगी सबकी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी जो भी शिफ्ट है उसमें आपको देखना है कि यहाँ क्या टाइम लिखा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पहुँचना होगा। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, उस सेंटर पर अपना रिपोर्ट करना है आपको। फिर यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। तो नंबर वन, आपको प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, मतलब ये जो ई एडमिट कार्ड है ये वाला पेज पूरा यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, यहाँ तक ये पूरा आपको लेके जाना है। उसके बाद है फेस मास्क लेके जाना है और हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है, वैसे लिखा होता है, ज़रूरत तो नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की, लेकिन आप लेके जाना चले जाना मांग लेंगे तो। ओके, उसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो सब आपको लेके जाना है ओरिजिनल, वो भी फोटोकॉपी नहीं लेके जानी, ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट, आपका बोल रखा है कि आपको ब्लू पेन लेके जाना है रफ वर्क, क्या करेंगे कि वैसे तो अंदर पेन मिल जाता है लेकिन इसमें इन्होंने बोला है कि आपको बाहर से लेके जाना है तो आप अपने घर से लेके जाना ब्लू पेन। आपको रफ शीट देंगे, जैसे मैथ सॉल्व करना होगा ना, तो मैथ सॉल्व करने के लिए आपको एक शीट देंगे वाइट कलर की A4 साइज शीट, उस पर आपको उसको सॉल्व करके और फिर ऊपर जो भी आपका कंप्यूटर उसमें ABCD में जो भी आंसर होगा उसको टिक मारना होगा। इसलिए रफ वर्क के लिए आपको पेन लेके जाना है, पेपर अंदर खुद मिल जाएगा। फिर है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, और वो भी रिसेंट लेके जानी है, अगर ये वाली है जो आपकी यहाँ पे लगी हुई है फ़ोटो तो वो भी चल जाएगी, वो नहीं है तो भी जो भी फ़ोटो है आपकी रिसेंट की वो लेके चले जाओ। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी फ़ोटो को लेकर, बस आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो। अब इसमें इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे पहले से बोल रखा है कि आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, 2 कम से कम 2, वैसे 4 रखना। ओके, 4 रखना अपने पास ताकि अगर 1-2 मिसप्लेस भी हो तो आपके पास 2 कम से कम हो, 4 लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं लेके जाने हैं, सब चीज़ जो है अंदर जाने से मना है। एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, कान, मतलब जो भी कान के टॉप्स हैं, नाक के टॉप हैं, वो सब आपको घर पे छोड़ के लेके जाने हैं, हाथ में कोई भी धागा भी नहीं बांधना है, ना पैरों में कोई धागा होगा। ओके, किसी भी तरीके की कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर पे है आपका कि आपको अपना ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो भी टाइम है वहाँ से 1 घंटे पहले आपको ओरिजिनल जो है आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो सबसे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सबके पास मिलेगी, वो आपका आधार कार्ड होता है, सबके पास होगा तो ये लेके चले जाना। ओके, कोई भी फ़ोटो कॉपी आपके आधार कार्ड की या स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कैसी भी कॉपी नहीं चलेगी, आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है, अपना ई एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, जो भी प्रिंट आउट निकलवाओगे, और इसके साथ ही अपना जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड वो भी ओरिजिनल लेके जाना है, इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अपना जो भी डिटेल है आप अपनी देख लेना, आपकी कैटेगरी वैटेगरी, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आपके ऊपर वो केस करेंगे, मीन्स कि एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपने अपने फॉर्म में दी गई हो दी होगी तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ बस ये बताया। वी कैन नो रिक्वेस्ट फॉर, अब इस तरीके की रिक्वेस्ट की मेरा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करिए, वो अलाउ नहीं होगी।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंटर इज अबाउट टाइम गिवन अबो, कि आपको यह टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। नो लेट एंट्री अलाउ इज अलाउ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी हालत में आपकी लेट एंट्री को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये ध्यान देना है, लेट एंट्री में आपको घुसने ही नहीं देंगे, फिर सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, इसलिए एक घंटे पहले पहुंच जाओ, लेकिन देर नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट आपका है कि शुड प्रोसीडर कंप्यूटर नोट्स शुड लीव एग्जामिनेशन, कि आपका फोटो जब एंट्री होगी तब आपका मतलब डेस्क सेंटर पे आपका फिंगरप्रिंट सब लेके आपको आगे कंप्यूटर्स जो है लोकेट किए जाएंगे, ठीक है। जब जैसे आप हॉल में एंट्री करते हो, आपका जो आधार कार्ड है वो चेक करेंगे अंदर, आपका जो भी डिटेल है वो टैली करेंगे अपने कंप्यूटर पे, वहाँ पे जो भी टीचर्स बैठे होंगे वो, उसके बाद आपको वो कंप्यूटर देंगे कि आप वहाँ पे जाके बैठिए। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको एग्ज़िट के लिए भी अपना डिटेल सबमिट करवानी होंगी, ठीक है। तो वो आप करवा के ही बाहर निकलना है, ये नहीं कि बस आपका पेपर हुआ और बिना एग्जिट का डिटेल भरे आप आ जाओगे। ओके, जैसे एक बार एंट्री से पहले आपको कंप्यूटर पे अपना फ़ोटो वोटो दिखाना होगा, सेम वैसे एग्जिट के टाइम पे भी आपको अपना फ़ोटो वोटो मतलब आपकी फ़ोटो खींचेगी एक बैठा के चेयर पे, तो वो दोनों टाइम पे अपनी आपको अटेंडेंस लगवानी है, एग्जिट के टाइम भी और एंट्री के टाइम भी। तो ये करवा के आना, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पेपर लेने का। उसके बाद आपका है कंप्यूटर टर्मिनल रिक्वायर्ड टू लॉग इन आई डी पासवर्ड, आपको 10 मिनट पहले आपके पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपका लॉगिन का जो भी पासवर्ड है, यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा और फिर आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद पर्सन जो पर्सन है डिसेबिलिटी के 40% डिसेबिलिटी है, उनको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट टाइम 40 मिनट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले होंगे उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम, जैसे 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 2 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनको। ओके, उसके बाद पेपर करने के लिए फिर है कि आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विज़िट करते रहना, आपको आने जाने का खर्चा जो है SCRT नहीं देगी, ये भी मतलब बोला है यहाँ पे। उसके बाद 120 मिनट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 4 मल्टीपल चॉइस के, जो आपका आंसर होगा उस पर टिक मारना है, ABCD में से अगर B है तो B पे आपको टिक मारना होगा और सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, तो आपका सेव हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन पे आप पहुँच जाओगे। फिर है कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू रीड दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस, और यही बोला है कि आपको अच्छे से ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, और ये जो है आपको कोविड के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्म आपको वहाँ पे फिल करवाएंगे, तो ये पेज भी लेके जाना है आपको। ओके, ये भी अब तीनों जितने भी 4 पेज हैं इसके अंदर PDF में 4 पेज लेके जाना, उसमें से 2 आपको अंदर तक एंट्री करवाएंगे, 21 वाले पेज की एंट्री अंदर होगी। ओके, और एक आपके एडमिट कार्ड वाले पेज की एंट्री अंदर तक होगी, ठीक है। अब लास्ट वाले में आपको बता रखा है कि आपका जो भी CBT होगा उसमें जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है शो हो रहे होंगे, तो कैसे ऑनलाइन पेपर आएगा वो, तो उसके लिए तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी, फिर भी यहाँ पे हल्का सा बता देते हैं कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स में ना आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 पूरे जितने 150 क्वेश्चन आएंगे उसके बॉक्स 1, 2, 3 ऐसे लिखा होगा। ओके, वो सारे वाइट होंगे, क्यों? क्योंकि उनको अभी आपने देखा नहीं है। जैसे जैसे आप उन्हें देखते जाओगे, जैसे मैंने 1 खोला फिर मैं गई 2 पे, तो जो 1 का अगर मैंने आंसर कर दिया है, मैंने 1, 1, 1 में आंसर लगा दिया कि आंसर मेरा B था, तो मैंने इस पर टिक मार दिया, सेव नेक्स्ट किया, तो ये जो है ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा अगर मैं इस पर आंसर कर देती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ और नेक्स्ट वाला मुझे आ नहीं रहा, तो मैंने उसको स्किप किया कि मैं बाद में करूँगी, इस पे गई तो आपका जो सेकंड वाला है वो रेड कलर का दिखाई देगा। कैसा? रेड कलर का। ओके, तो बस यही बता रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं इसको ऑनलाइन आपको एक बार दिखाऊँगी तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर जस्ट इतना है कि आपको हमेशा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना हो तो सेव और नेक्स्ट बटन दबा के ही आप नेक्स्ट पे जाओगे, ताकि आपका वो आंसर जो है सेव हो जाए, ये ना कि आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया तो वो आपका आंसर भी सेव नहीं होगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपके पूरे पेपर देने का।
जब वो मार्क ही नहीं हो पाएंगे, उसका काउंट ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एडमिट कार्ड, कैसे क्या चीज़ लेके जानी है, अच्छे से पेपर करना। और आपने, मैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस जो है ट्राई करूँगी 2 दिन में कंप्लीट करवा दूँ, तो पूरे दिन वीडियो देखना। और उसका PDF भी दे दूँगी, अभी भी जो क्लासेस नहीं हो रखी हैं उनकी भी PDF दे दूँगी, ताकि एक बार आप देख लो कम से कम। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड से पेपर करना है। ओके, बाय बाय।